और अब बात संस्कारधानी जबलपुर की। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने सफलता की नई इबारत लिख दी है। जबलपुर जिले में इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन से कई लोगों को रोजगार मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने कोरोना संकट काल के दौरान बेरोजगार लोगों के लिए आर्थिक संबल का काम किया है। जबलपुर जिले में इस योजना के तहत हजारों की संख्या में लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं और लाभ पाते हुए अपने जीवन को पटरी पर लाकर फिर से स्थापित हुए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के जबलपुर को इस योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर भोपाल जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए जबलपुर ने यह मुकाम हासिल किया है। इस साल प्रधानमंत्री स्वर्गीय निधि योजना के अंतर्गत जबलपुर में कुल 36,969 लोगों के आवेदन पर नगर निगम को प्राप्त हुए, जिनमें से 26,000 से ज्यादा मामलों को बैंकों ने स्वीकृति प्रदान की है। नगर निगम के आयुक्त संदीप जी आर ने बताया कि इस आंकड़े को पाने नगर निगम ने दिन रात मेहनत की है। विशेष तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स की लिफ्टिंग पर ज्यादा फोकस किया, टेलीफोनिक माध्यम से उनसे सीधे बातचीत की और उनकी परेशानियों को भी हल किया। पहले चरण में लाभार्थियों ने ऋण की राशि भी चुका दी, जिसके बाद वो बड़े हुए लोन के लिए पात्रता रखने लगे। नगर निगम ने इन स्ट्रीट वेंडर्स को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा, जिनमें 10,000 का ऋण पाने वाले लाभार्थियों को अगर पूरा लोन नहीं मिला है तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था उन्होंने बना कर रखी और उसके बाद उन्होंने 10,000 से लेकर 8,000 तक का कर्जा पा चुके उनकी एक अलग श्रेणी बनाई और ऐसे लाभार्थियों जिन्होंने ऋण राशि की आधी रकम यानी 5,000 रुपये चुकाए हैं उन्हें भी अलग सूचीबद्ध किया। ट्रैक रिकॉर्ड के चलते लाभार्थियों को लाभांश भी दिया जा रहा है। योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स ने प्रधानमंत्री का आभार माना और धन्यवाद जताया। पैसा नहीं रहा, बैठा रहा मैं और मेरे पास एक धेला भी नहीं रहा, इसलिए मेरे को कहने का दर्द मिट गया क्योंकि मेरे को पैसा मिल गया तो मेरा धंधा चलने लगा। लॉकडाउन में हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतना ज़्यादा परेशान था, जो कुछ था वो खा लिए बैठे हैं 3 महीने का लॉकडाउन में। बहुत ज़्यादा परिवार कैसे पालें, बच्चे कैसे पालें, क्या करें नहीं करें। फल सब्जी का ठेला लगाते, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं था, 1 भी पैसा नहीं था। हमें शासन ने 10,000 दिया, 10,000 हमको देने के बाद हमने फल भी लगाया, सब्जी भी लगा रहे, आज मुझे 1 महीना भी हो गया है और अब बहुत अच्छे होंगे, हम अच्छे कर रहे हैं और अच्छे हम रह रहे हैं और अच्छे टाइम भी मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें 10,000 मिला। तो हम लोगों ने जो टारगेट मिला था हमने उसके फोकस तरीके से IEC एक्टिविटीज़ में ध्यान दिया है और अपने लिस्टिंग पूरा जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिस्टिंग थे, वी आर अ वेरी रोबस्ट डेटा बेस ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स, तो इनका लिस्टिंग हम लोग लेके हम लोगों ने वन मैन टू मैन ट्रैकिंग करके वी वर एबल टू अचीव एप्लीकेशंस टू द ट्यून ऑफ नियरली 30,000 एंड इन द लास्ट ईयर हम लोगों ने 21,000 नियरली हम लोगों ने किया और इस साल ऑलरेडी डिस्पाइट कोविड का सेकेंड वेव वी ऑलरेडी डिस्पर्स्ड 1500 केसेस का जो लोन्स है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्पर्स किया है। इसमें एक और जो इशू है, जो अगर रीपेमेंट ऑफ द 10,000 वाला लोन में हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 10,000 भी रिलीज करने के केसेस, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे ऑलरेडी 10,000 का रीपेमेंट हुआ है एंड बहुत हमने उनको भी कैटेगराइज किया है जो 5,000 तक रीपे किए हैं, 8,000 तक, हमने 3 कैटेगरीज बनाया है, 0 to 5, 5 to 8 एंड 8 to 10। तो वंस दे रीपे दैट दे आर एलिजिबल फॉर देयर नेक्स्ट लोन, सो इन अ वे दे आर गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो, सो दैट इज़ द आइडिया। उसी पे जो केंद्र शासन और राज्य शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई चल रही है।